आज दिल्ली के जंतर मंतर पे जो कांग्रेस है उनके कार्यकर्ता हो या पूर्व विधायक हो या सांसद हो, सभी यहाँ पे आकर मौन धारण कर रहे हैं। आखिर मौन धारण करने का क्या उद्देश्य है तो हम जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले मैं नाम जानना चाहूँगा। सुभाष करोटिया। सुभाष जी, आज क्यों मौन धारण करना पड़ा, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या बड़े पद जी, रामलीला ग्राउंड से लेके और राष्ट्रपति भवन तक, ठीक है, एक बलात्कार में। अब ये तो रोज ही बलात्कार हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, मंत्री बैठे हुए हैं, महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, यही तो हुआ ना। तो अब तो सत्याग्रह कर रहे हैं सर, अगर पदयात्रा करते हैं तब भी ये परेशान होते हैं, सत्याग्रह करते हैं तब भी ये परेशान होते हैं, तो कैसे किया जाए, लोकतंत्र को कैसे बचाना सर। क्या लग रहा, भाजपा डरी हुई है कांग्रेस से? तो नेचुरल अंडरस्टूड है, कांग्रेस तो बहुत दूर राहुल जी से डरी हुई है, पार्लियामेंट से उनको बर्खास्त करवा दिया इन्होंने। कभी सुना है ऐसे कि मानहानि के केस में उनको 2 साल की किसी को सजा हुई है? आज तक इतना भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बोले और विपक्षी पार्टी बोलती है सत्ता पक्ष के लिए, कभी हुआ है ऐसा? जिस तरह मणिपुर की घटना देखी उसमें प्रधानमंत्री जी चुप है, बंगाल में हुआ, बिहार में हुआ, राजस्थान में हुआ, आखिर ऐसे क्यों, ऐसी महिलाओं पे क्यों अत्याचार किए जाए? ये तो मोदी जी बताएंगे ना सर, सत्ता में हो। कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये मोदी जी बताएंगे ना सर। हम तो कांग्रेसी हैं, हम तो उनके खिलाफ चलेंगे, क्योंकि एक बलात्कार कांड में पूरा सत्ता छोड़नी पड़ी कांग्रेस को। अगर कांग्रेस ने गलती करी तो भुगताना भी, उसको हर्जाना भी देना पड़ा ना, सत्ता से चले गए ना। तो ये तो रोज ही कर रहे हैं बलात्कार, यहाँ पे रोज हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में, चाहे मणिपुर हो चाहे दिल्ली हो। सिखाएगी, बिल्कुल सिखाएगी, 100% 1001% सिखाएगी इनको जी। आप क्या कहेंगे? हम इसलिए ये कहना चाहते हैं, जो मौन धारण हुआ है, जो मणिकरण में ये काम हुआ है, नहीं होना चाहिए था। ये लोकतंत्र ख़त्म करना चाहते हैं, इनका राज चल रहा है, जो ये चाहे मंदिर ये बनवा रहे हैं, बाहर जाकर अपना हार बेचो फूलो, इनका तो कार्य चल रहा है, लेकिन आम जनता कहाँ जाएगी? आम जनता इस टाइम बहुत भूखी है, बेरोजगार हुई पड़ी है। ये जो सत्याग्रह हमने इसलिए किया है कि ये सब जगह ये पहुँचे हमारी आवाज़, जो संतों चले पता ये क्यों मौन धारण कर रहे हैं। ये तो बीजेपी वाले हैं, अपनी मर्जी कर जो कर रहे हैं, उनका चल रहा है शासन में कब तक चलेगा? ये रोड में इसलिए हमारे इकट्ठे हुए हैं, हमारा पूरा कांग्रेस जो हमारे बड़े बड़े नेता लोग इकट्ठे हुए हैं, यही हमारे आग्रह है कि हम ये अपना कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा, अगर राहुल जी मणिपुर जाते हैं, भाजपा कहती है जिस तरह उनको वहाँ से भी हटा दिया गया, क्या लग रहा है अगर राहुल जी वहाँ पहुँचते हैं? देखो ना, राहुल जी पहले वहाँ पे गए थे, मणिपुर गए ना पहले, मोदी जी तो नहीं गए ना, अभी तो गए मोदी जी, राहुल जी गए ना। तो कहीं भी हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान का विपक्ष का आज से नहीं 47 से ये दायित्व बनता है कि कहीं भी कोई भी कांड हुआ है, चाहे वह सूखा पड़ा है, चाहे वह बलात्कार हुआ है, चाहे वो हिंसा हुई है, चाहे हिंदू मुसलमान का राइट्स हुआ है, तो विपक्ष नहीं जाता था पहले से क्या? ये कह रहे हैं जी राहुल जी के और दंगा भड़क गया, तो आपकी सरकार कहाँ है, आपका गृहमंत्री सो रहा है, आपकी फोर्स कहाँ है वहाँ की, आपका CM वहाँ बैठा हुआ, उसको क्यों नहीं बर्खास्त किया अब तक आपने, दूसरा CM लाते वहाँ पर आपको। यहाँ आप एक निर्भया कांड होने से हिंदुस्तान की सत्ता बदल दिया आपने, वहाँ एक स्टेट की सत्ता नहीं बदली आपने। 2024 में क्या लग रहा है, जिस तरह एक गठबंधन भी किया गया? गठबंधन सत्ता पाने के लिए नहीं किया गया, गठबंधन लोकतंत्र बचाने के लिए किया गया है। तो 2024 में प्रधानमंत्री क्यों होगा? क्योंकि जनता तो मोदी करती है। नहीं, जनता को अभी थोड़ा सा तो समझ आ गया ना 9 साल में। मैं तो कहता हूँ एक बार मोदी जी हो रहा है 2024 में, तो जनता बिल्कुल सीधी हो जाएगी, किसको वोट देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। क्या इनको 300 रुपये का सिलेंडर बुरा लगता था, 1100 का ठीक लगता है? क्योंकि खाली मंदिर ही बनवाने से थोड़ी पेट भर जाता है, रसोई चल जाती है। अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं 2024 में, जो बेरोजगारी की बात या महंगाई की या अन्य, ये तो बहुत दूर है, ये तो बहुत दूर है सर, ये सत्याग्रह भी नहीं होगा अगर मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए, लाठीचार्ज होगा यहाँ पर, लाठीचार्ज। तो यहाँ पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, उनका सीधा कहना है कि जो आज यहाँ पे सत्याग्रह किया गया, अगर दोबारा कांग्रेस सत्याग्रह करती है तो शायद इन पर लाठीचार्ज ना हो जाए। अब देखना होगा कि सत्याग्रह से देश की जनता कितना जागती है। हर खबर से आज आप तो